सुनाए आप लोग कैसे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अल्लाह पाक से ईद वापस में जा रहे हैं, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। इस वक्त मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी और पकौड़े, तो आपके साथ शेयर करूँगी तो आप मेरे साथ रहिएगा। आज दिल चाह रहा है कि कोई अच्छी सी खट्टी सी चीज़ खाएँ, चटपटी सी। तो चले फिर तैयारी करते हैं। और कढ़ी का मैंने सारा मिक्सर तैयार कर लिया, दही को फेंट लिया और बेसन भी डाल लिया बीच में और मसाले भी डाल लिए, तो ऊपर रख दिया। तो अभी मैं जब चूल्हे पर पकने के लिए रखती हूँ फिर आपसे शेयर करती हूँ, जब पकौड़े बनाऊँगी वो भी शेयर करूँगी। चले फिर चलते हैं किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख सकते हैं कढ़ी का सारा मिक्सचर मैंने तैयार करके ऊपर रख दिया, तो दही फेंट लिया, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया और बेसन शामिल कर दिया, लहसुन अदरक पेस्ट भी मिला शामिल कर दिया। तो अब इसमें चलाते रहेंगे चम्मच, जब तक इसमें उबाइल नहीं आएगा इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो चलो फिर जब उसमें उबाइल आता है दिखाते हैं आपको, पकौड़ों का मसाला बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो कढ़ी को आप जैसे देख सकते हैं बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें इसको रख दूँगी हल्की आँच पे, बिल्कुल हल्की आँच पे। और फिर मैं गूंद लेती हूँ आटा, साथ में बना लेती हूँ पकौड़ों का सामान। जितनी देर में कढ़ी बनेगी इतनी देर में हम आटा भी गूंदेंगे और पकौड़ों का मसाला भी तैयार कर देंगे, पकौड़े बना लेंगे। चले फिर इसको ढक देते हैं। इसमें नरमान जिससे आप देख सकते हैं कढ़ी हो चुकी है हमारी तैयार। तीन डाल दी हरी मिर्च है मैंने इसके अंदर, तैयार कर लेते हैं तड़का। ऑयल डाल दिया हम साथ में, अब डाल लेते हैं लहसुन अदरक पेस्ट, लहसुन अदरक लहसुन लहसुन सिर्फ। अब गर्मी कम हो गई ना? हाँ पहले की बार नहीं, कम हो गई। कढ़ी में और ये भी निकाल के डाल देते हैं। तो माशाल्लाह से कढ़ी होगी हमारी तैयार, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। तो ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और प्लेट में मैंने निकाली डिश आउट कर ली है तो आप देख सकते हैं। तो रोटियां भी बन चुकी है हमारी और अब इकरा बनाएगी चावल अपने लिए, मेरे लिए, अंबर के लिए, क्योंकि आपको पता ही इकरा फौरन चावल बना लेती है, तो बनाएगी चावल। इस पर डाल देते हैं धनिया जो मैंने काट के रखा है, देख सकते हैं। चलिए फिर
हम चावल बनने का इंतजार करते हैं, फिर खाते हैं खाना।